हम जब ज्ञान लेते होते हैं ना, तो हम जब ऐसी बातें सुनते हैं जो बड़ी अजीब होती हैं और जो कभी सुनी ना हो, तो अंदर से क्या होता है, वो ज्ञान अंदर जा रहा है और अंदर से हैप्पीनेस हो रही है, खुशी हो रही है, आपके फेस पे स्माइल आएगी, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज हो रहा है, यू फीलिंग कंफर्टेबल, आपको लग रहा है कि अब हमारे पास ये ज्ञान है, जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे उसको, हमारे पास अब वो छड़ी आने वाली है कि इसका प्रॉब्लम ये है, इसका प्रॉब्लम ये है, इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा, इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, इंटरनल हैप्पीनेस, जिंदगी भर की खुशी, कोई बात नहीं। मैं एक एडवोकेट हूं, कल को कोई चक्कर पड़ेगा तो घर पे एडवोकेट बैठा हुआ, क्या दिक्कत है, अंदर एक सेटिस्फेक्शन है, अंदर एक हैप्पीनेस है, मेटाफिजिक्स कुछ भी नहीं है उसके अंदर, इट्स अ ज्ञान, सो इट्स अ ट्रू हैप्पीनेस एंड लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, ये लंबी चलती है। एक जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है, अकेला ऐसा प्लेनेट है जो भारी होने के बावजूद भी क्रूअल नहीं है, भारी बहुत है लेकिन क्रूअलिटी नहीं है इसके अंदर। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए हाथी का ही, हाथी जो है इतना भारी है लेकिन उसके अंदर क्रूअलिटी थोड़ी है, जब तक उसको छेड़ा ना जाए, जब तक उसका मेंटल बैलेंस ना हिल जाए, जब तक उसको उंगली ना की जाए, हिंदी में बोलते हैं, तब तक वो आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जिस दिन उसको उंगली कर दी जाए, जिस दिन उसका दिमाग खराब हो गया, वो कुछ नहीं छोड़ेगा, फिर वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा। अगर हाथी को प्रवोक कर दिया जाए ना, तो फिर वो नुकसान करेगा, वरना वो किसी को कुछ नहीं करता, क्योंकि छोटी मोटी चीजें उसके आसपास से निकल रही हैं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो मार्केट से निकल जाता है आराम से शांति से, लोग उसके नीचे से निकलते रहते हैं एज एन उपाय, वो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जब उसको प्रवोक करेंगे तो फिर वो किसी की परवाह नहीं करता। जुपिटर पे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, इनको प्रवोक नहीं करना चाहिए, जब तक प्रवोक नहीं करोगे शांति से बैठे हुए हैं, जब प्रवोक करोगे तो इनका डैमेज जो है वो हाथी के डैमेज से भी ज्यादा बुरा है, खतरनाक है, और जब वो डैमेज करने पे आता है, सीधी गोली मारनी पड़ती है और कोई हल ही नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं होता, बिना गोली के कंट्रोल नहीं होगा। इट मीन्स जुपिटर बेस्ड लोगों के साथ अननेसेसरली उनको प्रवोक नहीं करना चाहिए, जुपिटर बेस्ड लोगों के साथ शादी अगर हो रखी हो तो ऐसे लोगों को प्रवोक नहीं करना चाहिए, लेट देम गेट शांत, क्योंकि ये अगर अशांत हो गया तो तूफान मच जाए, जुपिटर का ये प्रॉब्लम है। जहां पे जुपिटर है वहां पे आप कुछ बड़ा करने की कोशिश आपकी हमेशा रहेगी, वहां पे लोगों ने आपको तंग परेशान भी करना है, बट आप वहां पे हाथी की तरह आपको वहां से निकलना होगा, बिना परवाह किए, बिना किसी चीज का टेंशन लिए, कोई ट्रबल नहीं आपको होगी, हाथी निकल जाते हैं परवाह नहीं करते, हाथी पूजने योग्य ही है, लोग उसको पूजते नहीं है, बृहस्पति पूजने योग्य है। अंगीकारा के बेटे थे जुपिटर, बृहस्पति अंगीकारा ऋषि के, और ऋग्वेद में हमारे अंगीकारा जी का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा योगदान उनका। जुपिटर एक जीव कारक है, इसीलिए जब जुपिटर की बृहस्पति की दशा चल जाए तो जीवों की मदद करनी चाहिए, ना कि जीव खाने चाहिए। पीपल विल आस्क यू, क्या मैं नॉन वेज खा सकता हूँ, चेक द महादशा, चेक उसका जुपिटर उसके लग्न में है, उसका भाग्येश है, या वो रूल कर रहा है अंतर में आ चुका हुआ है या उसके प्रत्यंतर में है, तो उस बंदे को ये नहीं खाना चाहिए। अगर वो जीव खाएगा, जीव हत्या करेगा, क्योंकि जितने भी जीव हैं वो बृहस्पति के अधीन है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को जीव कारक कहा गया, तो जीवों की हत्या ना करके इनकी हेल्प करनी पड़ती है, जीवों को खाना डालना पड़ता है और गाय को खाना डालना पड़ता है, जो पूजनीय जानवर हैं उनको खाना डाला जाता है। सो कर्नाटक में एक मंदिर है जहाँ पे डॉग्स का टेम्पल भी है, कर्नाटक में एक टेम्पल है, वहां पे डॉग्स की पूजा की जाती है, और हम भी इसको केतु के साथ जोड़ते हैं, और जब हम केतु के साथ जोड़ रहे हैं तो हम डॉग को हिट नहीं करते, हम डॉग को पालते हैं, डॉग को बच्चों की तरह रखते हैं, चाहे वो स्ट्रे डॉग भी हो। आजकल सर्दियां आ गई, जो लोग डॉग लवर्स हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए इंतजाम करेंगे बाहर, क्यों, उनको प्यार करते हैं, तो इनका भी जुपिटर ठीक है बिकॉज ये जीवों से प्यार कर रहे हैं। तो बृहस्पति की दशा चल रही हो मतलब ही नहीं है कि नॉनवेज खा लो, मतलब ही नहीं है, अगर नॉनवेज खाएंगे, जुपिटर जैसे तूफान हाथी मचाता है वैसे जिंदगी में तूफान मचा देगा। केवल लोग ना जुपिटर की महादशा में आते हैं ना, कहते हैं सर सब कुछ खराब चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, वो ना लॉजिकल चल रहे हैं, ट्रस्ट में नहीं चल रहे, वो जीव हत्या भी कर रहे हैं, जीव हत्या खा भी रहे, प्रमोट भी कर रहे हैं उसको। सो वो जब तक राहु चल रहा है कुछ नहीं कहेगा, खाए जाओ कुछ नहीं कहेगा, जिस दिन जुपिटर एंटर कर गए, जिस दिन बृहस्पति शुरू हो गए, उस दिन काम शुरू हो जाएगा, वहां से बृहस्पति का साम्राज्य शुरू हो गया। कोई भी दशा चल आनी हो उस दशा के, मान के चलिए अगर सपोज दशा है राहु की, 18 साल की दशा है, तो मान के चलिए मोटा मोटा 18 महीने 2 साल पहले ही उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। किसी भी दशा की, 10 साल की दशा चंद्रमा की है, तो मोटा मोटा 10 महीने पहले उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, 10 साल पहले। केतु 7 साल के लिए आएगा, तो 7 महीने उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा पहले, दिस इज अ टेक्निक, याद रखिएगा इसको।
कोई आपके पास बृहस्पति में आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये इसका बृहस्पति शुरू होने वाला है, और बृहस्पति से 16 साल पहले, 16 महीने पहले इस पे शुरू हो गया इस पे उसका असर। तो जो भी कोई दशा लगेगी उसका टेन्योर उसका 10% लगा लीजिए कि इसमें वो अब इसको इसका इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। दिस इज अ टेक्निक, याद रखिएगा इसको। सो जुपिटर जीव कारक है, तो जिसको जुपिटर की दशा लगी हो उसको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लग्नेश जुपिटर हो, लग्न में जुपिटर बैठे हो, जो नॉनवेज नहीं लेना चाहिए। सेकंड हाउस के कारक भी जुपिटर ही है, अगर इसमें जुपिटर बैठे हो, नौ नंबर साइन यहाँ पे हो, नॉनवेज नहीं चलेगा, उल्टा यहाँ पे जीवों को डोनेट करना पड़ेगा। और वैसे भी जिस घर का कोई जानवर रिप्रेजेंट हो रहा हो ना, हर घर को ना एक जानवर मिला हुआ है, हर नक्षत्र को एक जानवर मिला हुआ है, अगर उस जानवर को फीड करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। अगर आप शेर को फीड करते हैं सपोज करो, तो शेर आप थ्रू आपको उसके हेल्प मिलेगा। अब लोग पूछते हैं शेर को फीड कैसे किया जाए, जू में जाइए, वहां जाके उसके लिए कुछ डोनेशन कर दीजिए। हमारे यहाँ मोहाली, यहाँ जब रहता हूँ मैं ट्राई सिटी में, यहाँ पे तो सरकार ने ओपन लिखा हुआ है कि अगर आप किसी जीव जानवर को अपने गोद लेना चाहते हो कुछ देर के लिए तो आप ले सकते हो, उसका टैरिफ है, फीस है। तो 3 टाइम का खाना आपके वहां से जाएगा। इवन शेर से लेके, चीता से लेके, हाथी से लेके, लेपर्ड से लेके, बंदर से लेके, कौवे से लेके, और आपके कबूतर से लेके, जो ये पीकॉक से लेके, ये जो पैरट होते हैं इससे लेके, कोई भी जानवर आप अपनी गोद ले सकते हो। तो आप सारा फीड जो है आप ही के थ्रू उनको जाएगा, ये भी एक तरीका है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। लोग अगर पूछते हैं कैसे सर शेर को कैसे फीड करें, अरे भैया ये थोड़ा कह रहा हूँ शेर के जाके जाके उसको फीड करो। देर आर सर्टन दिमाग, इट्स लाइक विजडम ना, जिनको समझ आ गई उनको तो समझ आ गई, और जिनको नहीं समझ आई सर उसको कैसे फीड करेंगे, अरे उसको फीड कैसे करेंगे, हिरण को फीड कैसे करेंगे, ऑब्वियसली जाके जंगल में फीड करोगे, और जंगल कहाँ मिलेगा, वो जू में मिलेगा। तो जू में जाके उसके लिए एक पर्ची कटवाइए, स्लिप कटवाइए, जीव कारक जीव की हेल्प कीजिए, जुपिटर विल रिजल्ट गिव यू रिजल्ट्स, वो अच्छा रिजल्ट देगा आपको। सो जुपिटर हाँ, एक टेक्निक और है, बृहस्पति के साथ कोई प्लेनेट बैठा हो, बृहस्पति के साथ कोई प्लेनेट बैठा हो, वो प्लेनेट से ना उसको ना मुसीबत में हेल्प मिलने का योग होता है। कोई भी ग्रह बैठा हो ना जो बृहस्पति के साथ, कोई भी बैठा हो, तो उस ग्रह से ना उसको मदद मिलने के चांसेस हाई होते हैं। जब कोई भी मुसीबत आ जाए, तो कोई ऐसी मुसीबत आए तो इस बंदे से, मंगल हो भाई से, दोस्त से हेल्प ली जा सकती है, और आपका राहु है तो किसी सियाने बंदे से हेल्प ली जा सकती है, बुजुर्ग बंदे से जो बाल सफेद हो, या कोई फॉरेन का बंदा हो या फॉरेन में रहता हो या आपका दोस्त, उससे सलाह ली जा सकती है। अगर कोई शुक्र बैठा हुआ है तो बीवी से सलाह ली जा सकती है, फीमेल फ्रेंड से सलाह ली जा सकती है। तो गुरु जिसके साथ बैठा होगा, प्रॉब्लम जब आएगी उस बंदे से मदद लेनी है, जिस बंदे का कारक उसके साथ बैठा हुआ होता है। जुपिटर का इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है, जब भी गुरु से कनेक्ट होंगे आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आएगा 110% चेंज आएगा। आई एम डैम श्योर इस चैप्टर के बाद, इस कोर्स के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज आएगा, और वो डेफिनेटली बाध्य है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, गुरु आपको आपके अंदर चेंज लेके आएंगे आएंगे गुरु, क्योंकि जो बृहस्पति है वो बाध्य है आपके अंदर चेंज लाने के लिए। जब वो आपके अंदर आ जाते हैं, आपकी जिंदगी में चेंज आ भी रहा होगा, आगे भी जाके आपको आएगा। सिर्फ उसकी लाइफ में नहीं आएगा जो सिर्फ इसको पढ़ रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा, सिर्फ पढ़ लेगा, पढ़ेगा नहीं तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। लाइफ में चेंज कब आएगा, जब आप जुपिटर को पढ़ोगे। तो जब आप कोई एजुकेशन लेते हो ऑब्वियसली आपके अंदर चेंज आता है। सो 110% चेंज आपका आएगा, आएगा। भाग्य, आपने आज भाग्य स्थान पढ़ा, भाग्य आपका एक्टिवेट होगा और चेंज भी आपका लेके आएगा। गुरु का पुण्य ना हमेशा ट्रांसफर होता है। जब आप किसी को कुछ टीचिंग लेक्चर दे रहे हो, आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप किसी की एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन कर रहे हो, तो आप अपने भाग्य का कुछ हिस्सा उसको दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपका वो कर्म जो है, पुण्य कर्म आपका कम होता है। तो उसको पूरा करने के लिए हमें और पढ़ना चाहिए, हमें स्टडी करते रहना चाहिए। जब आप स्टडी करना बंद करके सिर्फ कंसल्टेशन करोगे ना, तो एक दिन खाली हो जाओगे, प्रोडक्शन निकलनी बंद हो जाएंगी, प्रोडक्शन आएंगी नहीं, कहाँ से निकालें समझ नहीं आ रहा। तो आपका ये कंटिन्यू पढ़ना, ज्ञान को जीवित रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके केस में जब आप प्रैक्टिस करोगे जरूरी है। क्योंकि जब आपको कोई कहते हैं ना, एक्चुअली कहते हैं गुरु के ना हाथ में ना हथियार नहीं है, हाथ में जो डंडा है ना, दैट इज अ डंडा ऑफ अगेन गोल्ड, गोल्ड का डंडा है, मारेगा भी तो सोने के डंडे से मारेगा, कुछ ना कुछ तो फिर भी मिल ही जाएगा, खाली नहीं जाएगा। सो द डे यू स्टार्ट लर्निंग, आपकी लाइफ में चेंज आना वहां से गुरु शुरू कर देते हैं, बिकॉज आप अपना ज्ञान वाला घर एक्टिवेट कर रहे हो, 9 नंबर एक्टिवेशन हो रहा है,
नॉन एक्टिवेशन में आपका कुछ ना कुछ अच्छा तो एक्टिवेट होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा। जब आपका आपके अंदर फीलिंग आ जाए ना, आपके अंदर फीलिंग आ रहा है, आपको सुकून मिल रहा है, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो आपको सुकून मिल रहा है कि कोई ढंग की चीज सुनने को मिल रही है, कोई ढंग की चीज सीखने को मिल रही है, वो सुकून आपको अंदर से हैप्पीनेस दे देगा। और द मोमेंट यू फील फीलिंग स्टार्ट की स्टार्ट फीलिंग की मुझे ना अब मुझे अच्छा हो रहा है, मुझे अच्छा सीखने को मिल रहा है, आपका गुरु एक्टिवेट होता जाएगा, 9th हाउस एक्टिवेशन होता जाएगा आपका। वो 9th हाउस एक्टिवेशन ही आपकी लक का रास्ता खोल देगा, चमका देगा, राह मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। जिनका गुरु अच्छा ना हो रहा हो ना, हमेशा वो चिड़चिड़ करते हुए डांटते मिलेंगे, चिड़चिड़ करेंगे, डांटते रहेंगे, उनका जुपिटर खराब है, हमेशा छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, दैट इज द रीजन जुपिटर इज नॉट बिहेविंग वेल, वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। और जिनका गुरु खराब होगा उनके अंदर ये टेंडेंसी आपको देखने मिलेगी, चिड़चिड़ करने वाली, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने वाली। लेकिन जिनको गुरु छू जाए, उनको कुछ बड़ा करने के लिए बनाते हैं, उनको होता है कि मैं ग्रेट बनना है, ये छोटी मोटी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेंगे। गुरु आपको बड़ा बड़ा बनाना चाह रहे हैं, छोटा नहीं रखना चाह रहे, वो कहते हैं आप बड़ा बनो। गुरु को गुस्सा आता है, आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन जैसे आता है वैसे चला जाता है, 5-10 मिनट का गुस्सा है उसका, गुरु का, तो उससे ज्यादा है नहीं। बृहस्पति को गुस्सा आएगा, शांत हो जाएगा साथ साथ, रिवेंज नहीं रखता कि मैं इसको, जैसे स्कॉर्पियो रखा था ना कि जब मौका आएगा तब मारूंगा, जुपिटर रिवेंज नहीं रखते, अच्छा गुरु जी मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए, जा बेटा तेरा भी भला हो, मिट्टी भूल गए, वो गुरु बेस्ट लोग हैं। 9 नंबर साइन में, और जो रिश्तेदार है ना आपका, वो आपके लिए कोई भी नुकसान कर दे आप उसको माफ कर दोगे, किसी भी तरह का नुकसान क्रिएट कर दे आपके लिए, अल्टीमेटली एक बार उसने बोल दिया ना, पहले तो आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हो गया, छोड़ो बात, नहीं बुलाता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने उसने आपसे माफी मांग ली, छोड़िए मैं माफी मांगता हूँ, उस दिन से वो आपका सबसे प्रिय हो जाएगा, कोई बात नहीं यार, फिर क्या हो गया, तो आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, कोई बात नहीं, आपके अंदर की लाइट जली हुई है, वो लाइट क्या है, 9th हाउस, और लाइट क्या है, जुपिटर, और जुपिटर की लाइट जिसके अंदर जल रही हो उसको तो परवाह ही नहीं होती किसी की, कोई बात नहीं, मेरा कनेक्शन तो कहते हैं सीधा ईश्वर के साथ है, ये लोगों ने मेरा क्या बिगाड़ना है, ये लोगों ने मुझे क्या देना है, वही दे रहा है ऊपर देने वाला। व्यापारी को भी ये सब पता होता है, जुपिटर बेस्ड व्यापारी को पता होता है कि भैया ये जो आ रहा है सब पैसा वैसा आ रहा है, ये ईश्वर की तरफ से आ रहा है, लोग थोड़ा क्लाइंट थोड़ा दे रहा है मुझे, क्लाइंट तो सोर्स है, भेज तो वो रहा है ऊपर वाला, तो कनेक्शन कहाँ है, ऊपर के साथ, ट्रस्ट कहाँ है, ऊपर, फेथ कहाँ है, ऊपर, किसी व्यापारी के साथ फेथ नहीं है, फेथ है सीधा ऊपर कि ये इसने बनाया यही है, आगे लेके आने वाला है और यही आगे देगा, तो ट्रस्ट गॉड के ऊपर है, लोगों के ऊपर नहीं है। मर्करी कांट डू इट, मर्करी नहीं कर सकता, जुपिटर कहता है भरोसा रखो हो जाएगा, जुपिटर कहता है तू उसको ज्यादा सोच मत सब ठीक हो जाएगा, मर्करी कहता है भैया नहीं इस गुरु से बात नहीं बनी, चेंज द गुरु, गुरु चेंज कर लो, बात नहीं बन रही है, एस्ट्रोलॉजर से बात नहीं बन रही, इससे चेंज कर लो इसको, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है। मकरी बेस्ड पीपल आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर, क्यों, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे, मैं सर वहां पे ना 10 जगह होके आया हूँ, अब मैं आपके पास आया हूँ, मुझे पता है ये यहाँ में टिकेगा जितना मर्जी कर लो, ये यहाँ भी नहीं टिकेगा, यहाँ से भी भागेगा ये, चलो कोई नहीं भागो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इट्स अ डेस्टिनी, तो उनको उनका वो आदत से मजबूर है, उनको जितना मर्जी काउंसलिंग कर दो, दे आर नॉट रेडी टू, इतना बोलना कि ये 90 दिन में आपको रिजल्ट आएगा, तो और 91 दिन में आपके पास खड़ा हो जाएगा, मुझे रिजल्ट नहीं आया सर, 90 दिन हो गया आज, इनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कहता हूँ कि ज्योतिषी बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी, इसकी तो प्रॉब्लम ये है कि ये तो है ही मकरी बेस्ड है, ये तो है ही शुक्र बेस्ड इंसान है, इसका कोई, मैं क्या कहता, इसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सो गुरु और फादर आपको मारेंगे, आपको डांटेंगे, क्यों, उनका गोल आपके लिए बड़ा है, गोल, मैं आपको स्टार्ट में क्या बोलता हूँ क्लास में, प्लीज डू नॉट डिस्ट्रैक्ट मी, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिएगा, क्यों, जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ हो सकता है कुछ उसमें से मिस हो जाए, एक फ्लो बना होता है, चीजें दिमाग में 10 होती हैं आपको बताने वाली, तो जब कोई डिस्ट्रैक्शन आता है तो एनर्जी डिस्टर्ब होता है, तो वो जो चीज बताने वाली होती है वो दिमाग से निकल जाती है, वो स्किप हो जाती है, इसीलिए बोलता हूँ कि अपने डिस्ट्रक्शन के चक्कर में, या आपका माइक ऑन रह जाए या कुछ ऑन रह जाए तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, और जितने ये 15 स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक किसी के चक्कर में 14 जनों को वो चीज लेने से वो पीछे रह जाएंगे, वो उनको मिलेगी चीज, दैट्स वाई डिस्ट्रैक्शन इज नॉट गुड, कुछ भी चीज हासिल करनी हो, कुछ भी चीज आपने पानी हो जिंदगी में, तो फोकस बड़ा जरूरी होता है, जुपिटर कहता है फोकस रख, विश्वास रख, सब कुछ होगा, लेकिन वो कहता है मुझे मुझे जल्दबाजी बड़ी है, मकरी कह रहा है जल्दबाजी बहुत है, राहु कहता है ना जल्दबाजी बहुत है, राहु जब 9 नंबर साइन में जाता है, नीच का कहा जाता है,
वाई? बिकॉज जल्दबाजी बहुत है, वहां पे ट्रस्ट है, वहां पे विश्वास है, वहां पे टाइम 10 और 20 भी साल निकल जाते हैं लोगों को भरोसा करते करते। लेकिन चीजें कई बार होती हैं, कई बार नहीं होती, कई बार आखिरी में जाके होती हैं। राहु कहता है 20 साल कौन वेट करेगा? किसी को ना प्रोडक्शन दे रहे हो कि सर आपका ना ये दशा चल रही है, और ये दशा में आपको ना इस साल नहीं अगले साल नहीं 2026 में जाके चीज ठीक होगी। सर तब तक तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। होगा भैया तू, क्योंकि तेरी सोच ही ऐसी है। तो काउंसलिंग नहीं समझ रहा कि ये दशा है, इस दशा ने अपना रिजल्ट देना है, ये कर्म है, ये तेरे साथ से हुआ था, इसका जब तक आप भरपाई नहीं करोगे नहीं होगा। दंडवत करना पड़ेगा, जाके पहाड़ पे चढ़ के माता जी के मंदिर में सामने जाके लेट के दंडवत करना पड़ेगा, तब जाके आपकी सुनवाई होगी। जब भी आप किसी एंशियंट मंदिर में जाएं, किसी प्राचीन मंदिर में जाएं, आस्था से जाएं, फोकस टुवर्ड्स गॉड ओनली, आसपास के रस्तों के पे फोकस नहीं करना। और जब भी आप उनके सामने पहुंच जाएं, ट्राई वहां पे दंडवत आप कर सकें। दंडवत मतलब जीरो हूं मैं अब आपके सामने। किसी के पैरों के आगे लेटने का मतलब क्या होता है? जमीन के चेस्ट समेत, टांगों समेत लेटने का मतलब कि यही मैं हूं, यही मेरी रियलिटी है, और मैं आपके सामने अब जीरो हूं। तारो मारो, अब आप देखिए, तारना है आपने, मारना है आपने, मैं कुछ नहीं हूं, मैं जीरो हूं। मैंने आपके आपको अपने आप को आपके ऊपर अब निशावर कर दिया। दिस इज ट्रस्ट भगवान, अब तू देख। तो जब भी कहीं ये उपाय भी है, किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको डीकोड करके पेंडिंग करवा मैं करवाता हूँ। डीकोड करके बताइए यहाँ जाना है, तिरुपति जाना है, त्रिमकेश्वर जाना है, सोमनाथ जाना है, वैष्णो देवी जाना है, बालाजी जाना है, कहीं भी जाना है, वहां दंडवत करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 100% वहां पर जाके जीरो हो जाना है, कि अब आपके पास आ गए, आप देखो आप ही को करना पड़ेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दंडवत इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट शुड बी डन इन प्राचीन मंदिर जिनका इतिहास है, जो बनाए नहीं गए। हमारे मोहल्लों में मंदिर होते हैं, हमने बनाए होते हैं, मूर्ति स्थापना की होती है, ये हमने बनाए हैं, क्रिएट किए हैं। कुछ होते हैं जो इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं, प्राचीन है, माँ वैष्णो देवी प्राचीन है, हमारे ज्योतिर्लिंग जो 12 हैं वो प्राचीन है, इतिहास है उसके पीछे। उसके पीछे कुछ कहानियां ऐसी हैं जो जुड़ी हुई हैं। केदारनाथ इसे प्राचीन, वो बनाया नहीं गया, वो नेचुरल है। तो वहां पे दंडवत करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दंडवत करना इज अ क्रिया ऑफ जुपिटर, बृहस्पति, नतमस्तक हो गए, जीरो हम आपके आगे, कुछ नहीं हमारा वजूद, जो है सब आपका है। ये क्रिया होती थी दंडवत को, क्रिया दंडवत प्राणी क्रिया थी किसी से माफी मांगने के लिए। तो दैट्स वाई दंडवत इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जुपिटर के केस में दंडवत इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9th हाउस आपके बॉस भी हैं, पिताजी भी हैं, गुरु भी हैं, टीचर भी हैं, हायर एजुकेशन भी है, आपकी मैनेजमेंट कैसी रहेगी जिंदगी में, आपका टॉप मैनेजमेंट कैसे रहने वाली है आपकी लाइफ में, जो आपके कॉर्पोरेट में आप काम करते हो, ये आपका वो है 9th हाउस है। इमीडिएट बॉस देखना हो तो 9th हाउस देखना होगा, गुरु है वो आपके बॉस भी हैं। जुपिटर ट्रांजिट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ठीक है? क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट जब होता है ना, जब जुपिटर का गोचर होता है, तो कहते हैं जिसको छूता है उसको सोना कर देता है, जो चीज को छुएगा उसको बड़ा कर देगा। जुपिटर इज द कार्क ऑफ एक्सपेंशन, चीजों को बड़ा करना, एक्सपेंड कर देना। जुपिटर जहां बैठता है वो चीजों को बड़ा करता है। अगर छठे भाव में चला जाए किसी टाइम पे गोचर करता करता, इट मीन्स कि यहाँ इसका कर्जा बढ़ने वाला है, दुश्मनी इसकी बढ़ने वाली है, बढ़ेगी, लेकिन इसका नुकसान करे ना करे, लेकिन बढ़ेगी जरूर। अब ये इसकी तरक्की होने वाली है, साथ में दुश्मन बढ़ेंगे, तो ये जहां जाएगा वहां पे बढ़ोतरी कर देगा। 2 नंबर में जाएगा वहां पे उस दिन परिवार की बढ़ोतरी कर देगा, फैमिली की बढ़ोतरी कर देगा, फैमिली के रिश्तेदार मिलने आने शुरू हो जाएंगे। आपका जो दायरा था, जो बहुत ऐसे सिमटा हुआ था, वो आपको मिलना आना शुरू हो जाएगा। आप सोचोगे यार ये रिश्तेदारी कहाँ से आने शुरू हो गई, इतने बार 10 साल तो उन्होंने कभी पूछा नहीं हमें, 12 साल उसने पूछा नहीं, अब ये कहाँ से आए हैं? ये यहाँ से आए हैं क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस में आए हैं। अब जुपिटर सेकंड हाउस में जाने वाले हैं, और जिनके जिनके सेकंड हाउस में जाने वाले हैं ना, जहां जहां जिस घर में जाने वाले हैं, वो वाला घर एक्टिवेट होने वाला है, वहां के रिश्तेदार आपको आके मिलेंगे। अब पुराना फोन एक आ जाएगा, हाँ बेटा कैसे हो? आप सोचोगे यार कहाँ से आया ये फोन, ये यहाँ से आया। तीसरे घर में हो जाएगा तो आपका सिबलिंग, आपके पड़ोसी, पुराने 10 साल पुराने पड़ोसी आपको फोन कर देंगे, और कैसे हो जी, हम आ रहे हैं आपको मिलने, 10 साल कभी याद नहीं आया, अब आपको याद आएगा। जुपिटर जिसको छुएगा बड़ा करेगा, जुपिटर शनि के घर को छू लेगा, शनि को छुएगा प्रोफेशन बड़ा कर देगा, वीनस को छू लेगा मैरिज करवा देगा, जुपिटर मार्स को छू लेगा लैंड के रिलेटेड या भाई के रिलेटेड या दोस्तों के रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज आपको दे देगा, एक्सपेंड करेगा उसको, आपका दायरा एक्सपेंड कर देगा, अच्छा करेगा, अच्छा करता है। जिसको छूता है उसको सोना करता है, सोना बना देता है, क्योंकि तो सोने का कारक है। जुपिटर इज अ कारक ऑफ 22 कैरेट गोल्ड, सन इज अ कारक ऑफ 24 कैरेट गोल्ड, इसमें दोनों में फर्क है। 24 कैरेट सूर्य है और 22 कैरेट्स जुपिटर है, बृहस्पति है, ठीक है? अब देखिएगा कि आपकी कुंडली में जुपिटर कहाँ गोचर किया था और आपके किस चीज को उसने गोल्ड बनाया, चेक कीजिएगा इसको, गेट द आंसर।
ठीक है, वो चीज सोना बनी होगी और डेफिनेटली बनी होगी, ठीक है। जुपिटर मून इकट्ठा हो कज के सीईओ कहा गया है, ऐसे लोगों को वैल्यू नहीं मिलता, चेक करके देख लीजिए, दे नॉट बीइंग वैल्यूड, उनको वैल्यू नहीं मिल रहा। जुपिटर को कहा गया बृहस्पति को मिडास टच, जिसको छुआ उसको सोना बना दिया, चेक करके देखिएगा इस टेक्निक को, अपने कुंडली के ऊपर चेक कीजिएगा, ठीक है। जहां पे वो मिडास टच दिया आपने उसको, उसने आपको मिडास टच आपको दिया होगा, जब जब उसने गोचर किया मिडास टच मिला है, ठीक है। आप जुपिटर जहां बैठा हो ना, आप अपने लिए आपके वो अच्छा करे ना करे उस टाइम पे, लेकिन आप जिसको छूओगे ना, जिस रिश्तेदार को, उस रिश्तेदार को छूओगे ना, उसके लिए अच्छा हो जाएगा। छठे घर में जुपिटर होना ननिहाल होके आएगी, जब आप ननिहाल होके आओगे ना, उधर से ना कुछ अच्छी न्यूज आएगी आपको कुछ दिनों के बाद, कुछ भी एबीसी। अष्टम में जुपिटर गोचर करेगा, दादका साइड से कोई ना कोई न्यूज आ जाएगी, कुछ हुआ। टेंथ हाउस से गोचर करेगा, हालांकि इस घर में वो नीच का है 10 नंबर साइन के अंदर, फिर भी आपको फादर की फैमिली से कोई ना कोई फोन आएगा, कोई मंगल कार्य उनके घर में हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमने पाठ करवाया, हम जागरण करवा रहे हैं, आप आना हमारे पास, यहाँ माथा टेकने आना, इस तरह का न्यूज आपको आ जाएगा। कोई ना कोई तो आपको अच्छी चीज मिलेगी मिलेगी, और उस बंदे को फील होगा कि यार ये बंदा ना कहीं लकी है मेरे लिए। जुपिटर नेवर शोज ऑफ, कभी शो ऑफ नहीं करेगा, धीरे धीरे चीजों को चेंज करेगा, थॉट प्रोसेस चेंज करेगा। ब्राह्मण क्या करता है, हो जाएगा ठीक, थॉट प्रोसेस चेंज कर रहा है आपका, ठीक हो ना हो, बट आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो गया। इट इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड ऑल अबाउट योर थिंकिंग। कोई बच्चा 30 नंबर पे आके भी बड़ा खुश है, और कोई फर्स्ट आके भी ना खुश है कि यार ये तीसरा आ गया, कोई बात नहीं, वो एक नंबर लेके फर्स्ट आके भी हैप्पीनेस नहीं है उसके अंदर, और किसी की थर्ड पोजीशन पे आके भी हैप्पीनेस है, कोई बात नहीं यार आ गया ना, किसी लाइन में तो आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, हैप्पीनेस है वहां पे, तो किसी को फर्स्ट आके भी हैप्पीनेस नहीं हो रही है। तो जुपिटर क्या करता है, थॉट प्रोसेस चेंज करता है। दशा में आपके जब बृहस्पति आएंगे तो प्रॉब्लम आपका आएगा, क्योंकि जुपिटर का काम पता क्या है, ओनली सलाह देना, सलाह देगा आपको। आप पंडित जी के पास जाओगे, गुरु जी के पास जाओगे, वो आपको सलाह देंगे, आशीर्वाद देंगे, आपके सर पे हाथ रखेंगे, सलाह देंगे, कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएंगे। पिताजी के पास जाएंगे, पिताजी कहेंगे कोई बात बेटा ठीक हो जाएगा, हाथ सिर पे आप भी रखेंगे, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, नॉट वरी, गले लगा लेंगे, दैट इज मिडास टच। और उसके बाद लगता है कि कोई बात नहीं, पीछे कोई खड़ा है, पीछे है कोई, ठीक है। और जब किसी का खराब हो रहा हो ना, उसके पीछे कोई एस्ट्रोलॉजर खड़ा हो ना ऐसा, उसको टेंशन नहीं होता कि कोई बात नहीं, पीछे खड़ा है हमारे बच्चा, बंदा कोई है, डॉक्टर हो ना फैमिली के अंदर और आसपास ही कहीं रह रहा हो, तो एक होता है यार कोई बात, रात को भी हार्ट अटैक भी हो जाएगा ना, तो ये तो अवेलेबल है ना, जल्दी से बुला लेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। एक घर के अंदर वकील बन जाएगा अच्छे लेवल का, तो फैमिली पूरी को गर्व होता है कि ये बन गया, कोई कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये विल हैंडल। एक खानदान के अंदर एक पुलिस ऑफिसर बन जाएगा, वो पूरा खानदान हैप्पी हो जाएगा कि कोई टेंशन नहीं है, अब हमारे घर वाले पुलिस वाले हैं। वो ऑफिसर ना भी हो, एक सिपाही भी हो ना, तब भी खुशी हो जाती है कि हमारे घर में ना, हमारी फैमिली में एक सिपाही है, कोई दिक्कत नहीं, सब केस निपटे निपटे जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। सो मिडास टच दे रहा है, एक हैप्पीनेस दे रहा है, अंदर से एक सेटिस्फेक्शन दे रहा है, एक सुकून दे रहा है, ठीक है। राजा बलि की कहानी सुना दी मैंने आपको, क्योंकि जुबान दे दी थी, पूरी भी करनी है, पूरी करनी भी पड़ेगी, ठीक है। नाउ आप जब भी धार्मिक तरीके से प्रॉमिस आपने कोई किया हो ना, और वो पूरा ना किया हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम किस तरह की आती है, जुपिटर की महादशा आएगी, अंतर आएगा, दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इसको बोलते हैं भगवान के साथ प्रॉमिस करना, और जब प्रॉमिस पूरा नहीं होता, इसको बोलते हैं वादा खिलाफी। हे ईश्वर, जब मैं ये करूंगा तो मैं ये करूंगा। कल आई गॉट अ कॉल यस्टरडे, वो बंदा ना वहां से था, ऑस्ट्रेलिया से था, तो कुछ कुछ केस के चलते उसका वो अंदर हो गया, तो रह के आया, कोई महीना अंदर रह के आया। जुपिटर की महादशा शुरू हुई थी उसकी, और महादशा शुरू होते हुए अभी 2 महीने हुए हैं उसके, शायद अभी 2 मंथ हुए हैं उसके। एंड आस्क हिम क्वेश्चन है कि कोई आपने आने से पहले यहाँ फॉरन कोई प्रॉमिस किया था या कोई अरदास की थी आपने, तो ही बिलोंग्स टू अ सिख फैमिली, तो ही सेड कि सर हाँ मैंने कहा था कि अगर मेरा बाहर का बन जाएगा, मेरा वीजा लग जाए, मैं बाहर चला जाऊंगा, तो हमारे घर में ना अखंड पाठ करवाएंगे। चला गया, इस बात को हो गया है 6 साल, बाहर चला गया।
बाहर गए हुए, उसको कुछ टाइम हुआ अभी, आई थिंक 1.5 साल हुआ शायद, 1.5 साल हुआ लगभग, तो प्रॉब्लम आ गई उसको। जब मैंने उसको पूछा, कहता सर मैं बहुत सारे जोशों से घूमा हूँ, बड़े उपाय मैंने कर लिए, मैं ना ये मुझे समझ नहीं आया मैं फंस कैसे गया, मैंने कुछ किया नहीं था लेकिन मैं फंस गया। तो आई आस्क हिम कि क्या तूने, हाँ सर मैंने किया था, हमने सोचा, हमने कहा था, अरदास की थी कि बाबा जी को लेके आएंगे घर में और हम एक अखंड पाठ करवाएंगे घर के, हम करवाया नहीं सर। तू बाहर चला गया? हाँ जी सर, बाहर एक काम करना शुरू कर दिया? हाँ जी सर, काम मिल गया, बहुत बढ़िया। तो मैं कहा यार वो कहाँ गया? कह रहे सर ये तो सोचा ही नहीं, ये तो याद ही भूल गया। यही होता है बृहस्पति की दशा में, यही होता है, इसको बोलते हैं वादा खिलाफी, वादा खिलाफी विद ईश्वर, भगवान के साथ वादा खिलाफी कर रहे हो। बहुत सारे केसेस ऐसे, जागरण कराएंगे जी बच्चा होगा, बच्चा 25 साल का हो गया, अब उसके आगे बच्चा नहीं हो रहा। तो हाँ हमने कहा था जब बच्चा होगा तो हम ये करवाएंगे, करवाए नहीं, ये हो गया, हो गया। बृहस्पति की क्वालिटी है वादा, भगवान के साथ प्रॉमिस ना करो, लेकिन जब आप प्रॉमिस कर दिया ना तो उसको निभाना पड़ेगा, और अगर नहीं निभाया तो दिस विल हैपन, प्रॉब्लम आएगी आएगी। बृहस्पति की दशा में बहुत लोगों के काम बंद हो जाते हैं चलते चलते, बृहस्पति की दशा के अंदर लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है, बृहस्पति के अंदर काम जीरो हो जाता है, इंसान सड़क पे आ जाता है। और लोग कहते हैं बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी है, अच्छी कैसे होगी? अच्छी इससे होगी अगर वादा खिलाफी नहीं होगी, और जिनकी वादा खिलाफी नहीं हो रखी होती उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उनको कोई ट्रबल नहीं आता, उनका चलता है, उनका रुकावट नहीं आता काम में। लेकिन जिन्होंने की होती है, इंसान जब फंसता है ना बहुत सारी दुआएं मांग लेता है ईश्वर से, बहुत सारी प्रेयर्स कर देता है, बहुत सारे प्रोमिस कर देता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा फला, वो एक है ना बहुत फनी सी एक जोक है, कहता जी वो बंदा एक सड़क पे जा रहा होता है और एक नहर साथ से गुजर रही होती है, वो चलता चलता उसका पैर स्लिप होता है, उसमें गिर जाता है, और ईश्वर को प्रे करता है, हे ईश्वर जब तू मुझे बाहर, तू मुझे बाहर निकाल दे, मैं तुझे ना देसी घी के 5 लड्डू चढ़ाऊंगा, तुझे लड्डू चढ़ाऊंगा, देसी घी नहीं, तुझे लड्डू चढ़ाऊंगा। ईश्वर ने उसके हाथ पकड़ा, उसको बाहर निकाल दिया, को बंदा भेजा, सोर्स मिला, बंदा वो बाहर आ गया, बाहर आया तो बाहर आया कहता कपड़े झाड़ते हुए कौन से लड्डू, फिर आगे चला, फिर धक्का बजा, फिर नीचे गिर गया, तो कहता है ईश्वर मुझे बाहर निकाल, मैं तो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो ईश्वर प्रकट हो गए, कहते भैया जब मैंने बाहर निकाला था तब तो तूने कहा मैं कौन से लड्डू है, अब तू कह रहा है कि मुझे बाहर निकालो, कहता नहीं नहीं मैंने ये पूछा था कि कौन से लड्डू, देसी घी के डाल देगी के, इंसान इतना चला गया। सो वादा खिलाफी जुपिटर को पसंद नहीं है। वेन एवर वी प्रोमिस गॉड कि हाँ आप ये करो हम ये करेंगे, अब ये करो हम वो करेंगे, बृहस्पति की दशा के अंदर बहुत ज्यादा ट्रबल आ जाती है, बृहस्पति की वजह से बहुत सारे अंजबंतर लग जाए, बृहस्पति के अंदर महादशा के अंदर पत्यंतर का दशा अंतर आ जाए और ट्रबल आनी शुरू हो जाए। तो रिसाइट याद कीजिए उसको, उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा वादा किया था, अगर वादा नहीं याद आ रहा तो नतमस्तक हो जाइए जाके ईश्वर के सामने, ब्रह्मा उसके विष्णु जी के सामने नतमस्तक हो जाइए, क्योंकि ये बृहस्पति अवतार विष्णु जी है ना, उनके सामने दंडवत कीजिए, हमें नहीं पता जो भी है हमें माफ कीजिए, जो आप अपनी श्रद्धा पूर्व चढ़ा सकते हैं वहां पे एज ए फेथ वो चढ़ाइए ताकि उसे निजात मिल सके, ठीक है, वरना बृहस्पति छोड़ेगा नहीं, बृहस्पति बहुत तंग करेगा, जितना मर्जी अच्छा हो जितना मर्जी सॉफ्ट हो लेकिन ये बैंड बजा देता है एक बार लाइफ की अगर ये, क्योंकि वो ये, क्योंकि ये वो रूप है जो हाथी का बिगड़ा हुआ रूप है जब वादा खिलाफी होती है। तो प्रोमिसेस किसके साथ होते हैं, हम और प्रिसाइज नहीं चलते हैं, प्रोमिसेस किसके साथ होते हैं, मान लीजिए आपका आपका सैजिटेरियस साइन के अंदर शनि है, तो प्रोमिसेस किसके साथ होंगे, शनिदेव, भैरवदेव, माँ काली, अग्रेशन रूप किसी देवता का, अग्रेसिव देवी देवता, भैरव बाबा को अरदास की जाएगी, आप ये इसको निकालो हम आपके माथा टेकने आएंगे, शनिदेव जो माथा टेका जाएगा उनको अरदास की जाएगी, प्लस उनके साथ नए प्रॉमिस किया जाएगा कि आप ये करोगे तो हम ये कर देंगे, कोर्ट केस चलेगा तो शनिदेव के पास जाएंगे, भाग भाग के लोग जाते हैं शनिदेव के पास कि आप हमें यहाँ से निकाल दो तो हम ये करेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग कि कौन सा प्लैनेट इस पे बैठ रहा है, मान लीजिए आपका मंगल यहाँ बैठा हुआ तो हनुमान जी को प्रे हो जाती है कि हनुमान जी आप ये हमें बाहर निकालिए, बुध है तो आपका वो ये हमारे बृहस्पति जी और ये गणपति जी, इनके लिए हम प्रे करेंगे, इनको हम याद करेंगे, इनको डिसाइड करेंगे, राहु आएगा तो माँ सरस्वती से भी प्रे की जाती है, ठीक है। सो जो जो प्लेनेट आएंगे उनके गॉड जो रिप्रेजेंट होते हैं उनके उनके साथ प्रॉमिस हो जाता है, उन्हीं के तरफ प्रॉमिस होता है, और पेंडेंसी भी इन्हीं के तरफ पड़ी होती है, देख रहा हो ना किसकी पेंडेंसी क्या पड़ रही है, तो वो देखिए कि बृहस्पति के घर में कौन बैठा हुआ 9 नंबर में, अगर नहीं तो 9 नंबर लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, किस प्लेनेट की राशि में बैठा हुआ और किसके साथ बैठा हुआ है, तो निकलेंगे वही गॉड कि इनके साथ वादा खिलाफी हुई है, इसको याद नहीं है तो यहाँ भेजो उसको,
वहां दंडवत करवाइए उसके सामने। दिस इज अ टेक्निक, इसको ऐसे आपने डिकोड करना है, ठीक है। सो नेवर मेड फेक डील्स टू द गॉड, स्पेशली काम होने के बाद तो बिल्कुल भी ना करना, वरना ये आपका बिगड़ा हुआ हाथी वाला हाल करेगा और समझ नहीं आएगा हो क्या रहा हो। उपाय करते रहेंगे हम, होगा कुछ नहीं। आपको फीलिंग क्या आएगा कि मुझ पे ना कुछ ने कुछ कर दिया है, बृहस्पति की दशा में, अंतर दशा के अंदर फीलिंग आएगा कि मेरे पे ना कुछ कर दिया है, मेरे को पता कोई मैजिक हो गया, मेरे को किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। ओनली सिर्फ और सिर्फ चेक करना जुपिटर का, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, सिर्फ इसने कुछ किया, गड़बड़ की है इसने, वादा खिलाफी होगी कहीं पे, ठीक है। आपको ये चीज चेक करके इसका उपाय कराना है। कोई कुछ नहीं किया कराया कि जो सिम्टम्स होते हैं ना वो कुछ अलग होते हैं, वो ये नहीं होते, काम बंद हो गए, ये और तरह के सिम्टम्स होते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं सिम्टम्स। अचानक से काम रुक गया, इट मीन समथिंग इज हैपन, कोई अंतर लग गया है जुपिटर का या बृहस्पति का, एसोसिएशन कहीं ना कहीं गोचर के अंदर 7 नंबर के उसके साथ हो गया। 7 नंबर से व्यापार या नौकरी है तो 6 नंबर से व्यापार, 6 नंबर लॉर्ड के गोचर करते करते जुपिटर के साथ से निकलना या अंतर दशा आ जाना, इट मीन्स समथिंग हैज हैपेंड रिगार्डिंग टू द जुपिटर, कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। सो जब आप काउंसलिंग भी करेंगे तो आप अपना भाग्य भी किसी को दे रहे हो, बी वेरी केयरफुल ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। सो कुछ लोग ना एक्चुअली होते नहीं है मदद के कारण कारण, कुछ लोग मदद के लिए बने नहीं होते, तो आप उनको भी अपनी हेल्प करते हैं, एस्ट्रोलॉजी उसको भी हेल्प कर रहा है, वो काबिल ही नहीं है हेल्प के, लेकिन वो हेल्प ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उनकी मदद कर रहे हैं, तो अपना कुछ ना कुछ भाग्य तो उनको देना ही पड़ता है, उसको आपको चार्ज करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडलियां मत देखिएगा, इसलिए कहता हूं क्योंकि आपका भाग्य चला जाएगा, तो उसका चार्ज लेना है। इट्स अ रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी और एनी विद्या कि आपको उसका चार्ज ले लेना, उस वही एक तरीका है जिससे आप अपना भाग्य बचा सकते हो। कि आप फ्री की सलाह क्यों दोगे, फ्री की सलाह दोगे तो आप कल्प्रिट होगे, आप अपना भाग्य दे रहे हो उसको। टेक समथिंग फ्रॉम इट, कोई बहुत क्लोज रिश्तेदार है, 100 रुपीज ले लो भैया, 100 रुपया दे दो, ठीक है, ताकि आपका नुकसान ना हो, आपको कोई किसी तरह का सामना करना पड़े दिक्कत का। जुपिटर 9 नंबर साइन इज अ साइन ऑफ प्रसाद प्लस होली वाटर, जो आप चरणामृत लेते हो अपने हाथ में, प्लस जो आप मंदिर से प्रसाद लेते हो, और जब हम इस प्रसाद की अवहेलना करते हैं, जब ये प्रसाद सड़कों पे आपको दिखता है, मंदिर के अंदर आपको दिखता है, हम पास से निकल जाते हैं, ये भी आप अवहेलना कर रहे हो बृहस्पति की। उठाइए किसी साफ जगह, सुथरी भी जगह रख दीजिए, इसको खाने के लायक तो नहीं रहा, बट उसको साफ जगह सुथरी जगह रख दीजिए, इसको साइड पे कर दीजिए, पैरों के नीचे ना आए, क्योंकि प्रसाद प्योरली प्योरली बृहस्पति है। कई बार ना लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं प्रसाद मत लो, हाथ करके प्रसाद मत लो, क्यों, उनका जुपिटर ना उच्च का होता है, तो इन लोगों को प्रसाद हाथ ऐसे करके नहीं लेना चाहिए, इनको उल्टा देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, वरना जुपिटर कमजोर होता है। तो जब भी आप प्रसाद लें, प्रसाद का वैल्यू करें, प्रसाद को वेस्ट मत करें। मैं तो हमेशा कहता हूं प्रसाद लेने नहीं, क्यों, प्रसाद लोगे कोई ना कोई गलती होगी, होगी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कुछ। जब भी प्रसाद लो, आप प्रसाद चढ़ा के आओ, लेना नहीं है, खुद नहीं लेना, घर नहीं लेके आना, वहां बांट दो, पंडित जी को दिया वो बांट देंगे, आपने नहीं खाना। वैसे जो प्रसाद क्रिएट्स कर्स, सिन क्रिएट करता है, पाप क्रिएट करता है, जब बेकदरी होती है प्रसाद की, प्रसाद की बेकदरी करेंगे जुपिटर खराब होगा ही होगा, ठीक है। अगर आपने ये मन्नत मांग ली कि मैं मेरा ये होगा तो मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगी, प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, वरना आप उस कर्स में फंस जाएंगे, वो कर्स आगे जाके खराब करेगा, और जहां पे जुपिटर है उस घर से रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। अगर 4 नंबर में है तो माँ है, अगर 5 नंबर में है तो बच्चे हैं, 7 नंबर में है तो स्पाउस है, 8 नंबर में है तो ससुराल है, दादके हैं, 9 नंबर में है तो नानके हैं, 9 नंबर में पिता हैं, 10 नंबर में आपका ऑफिस इन्वायरमेंट है, आपके प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, 12 नंबर के अंदर आपके सिबलिंग्स हैं, 12 जो 11 नंबर में सिबलिंग्स हैं, 12 नंबर में आपके मामा जी की वाइफ है, प्रॉब्लम आएगी इनको, इनकी तरफ से आपको इश्यूज आए, ठीक है। सो प्रॉमिसेस मत कीजिए गॉड के साथ, वेस्टेज ऑफ प्रसाद नहीं होना चाहिए, होली वाटर चरणामत इज अ प्योरली बेस्ड जुपिटर, वॉटरी वॉटरी इसका वो सिंबल है, वॉटरी इसका वो रूप है जुपिटर का, जो आप चरणामत लेते हो। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो पढ़ाई के अंदर, तो उसके कमरे के अंदर गंगा जल छिड़क दीजिए, जहां पे वो बैठता है वहां छिड़का कीजिए, रेगुलर बेसिस पे छिड़के, क्यों, आप वहां पे जुपिटर एक्टिवेट कर रहे हो, जब जुपिटर एक्टिवेट होंगे एजुकेशन समझ में आएगी, पढ़ाई समझ में आएगी, बच्चा मन पढ़ाई से नहीं चुराएगा, जी नहीं चुराएगा, वो पढ़ाई करेगा,
एजुकेशन लेगा, आपकी बात उसके दिमाग में घुसेगी। तो रेगुलर 90 डेज का एक प्रण लेके, या 40 डेज का प्रण लेके, या 21 दिन का प्रण लेके आप उसके कमरे में रोज बृहस्पति छिड़का कीजिए, यानी कि जल छिड़का कीजिए। वेस्टेज ऑफ फूड नहीं होना चाहिए, इट इफेक्ट्स चंद्रमा ऑल्सो, वेस्टेज ऑफ प्रसाद इफेक्ट्स जुपिटर। सो अगर यही प्रसाद भंडारे का हो तो भी इफेक्ट आएगा या आएगा। लंगर का जैसे प्रसाद होता है ना, तो जुपिटर का इफेक्ट वहां रहेगा। आप एक लंगर लगा रहे हो, आप एक भंडारा लगा रहे हो, इट मीन्स आप जुपिटर का दान कर रहे हो। कई बार मन करता है ना कि हम भंडारा लगाएं, हम लंगर लगाएं, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर जुपिटर, वो बृहस्पति के अंडर ही आता है। तो आपका ये पेंडिंग कर्मा का टेक्निक था जो आपने अभी सीखा, कि जब आप वादा खिलाफी को कर देता है तो आप उसको डी कोड वहां से करेंगे, प्रॉब्लम आ गई, इट मीन्स जुपिटर का कोई ना कोई प्रॉमिस इनका छूट गया है, जिसकी वजह से इनको ना ट्रबल आ रहा है। अब देखिए जुपिटर कहाँ पे है, उसके साथ कौन सा लॉर्ड है, किसकी राशि के अंदर है, वहां पे भेजिए, वहां के पर भेजेंगे तो उसका मैटर सॉल्व होगा, वरना मैटर सॉल्व नहीं होगा। समटाइम पीपल डोंट रिमेम्बर कि क्या था, सर याद ही नहीं रहा, पता नहीं कितने प्रोमिस। कई लोगों को तो चलते चलते प्रोमिस करने की आदत होती है, बहुत प्रोमिस करते हैं। जहां पे जुपिटर है ना, वहां पे आपका सर झुक जाता है, झुकता मतलब कि श्रद्धा के साथ। मंदिर के आगे से निकलेंगे, सर झुकता है। गुरुद्वारे के आगे से निकलेंगे, सर झुकता है, झुकेगा झुकेगा। क्यों? वहां पे एक्टिवेशन, उसका ऑरा एक्टिवेटेड है विद बृहस्पति। तो बृहस्पति जहां पे है तो गुरु आपके सामने आएंगे, हाथ जुड़ जाते हैं, सर झुक जाता है। किसी ने कपड़े डाले हो ऐसे, इंसान का सर झुक जाता है कि ये पूजने तुल्य बन गया, ये पूज्य कर कोई या कोई है, आपका सर झुकेगा उनको माथा टेकने के लिए। दिस इज बृहस्पति। और डी कोड इसी तरीके से करना है, किसी का वो देखना हो, ऋण देखना हो, दिक्कत क्या आ रही है उसको। सो जुपिटर में देखिए प्रॉब्लम क्यों आई, तो इससे आपकी प्रॉब्लम जब आप करवा देंगे वो आप पे सॉल्व हो जाएंगी। जुपिटर उच्च के हों, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, रीजन बीइंग कि अगर पूजा पाठ गलत होगा रिजल्ट गलत होगा। कम कीजिए, खुद ना कीजिए, कुछ कराना है ब्राह्मण से करवा लीजिए। कि लोग कहते हैं सर ये मैं खुद ही पढ़ लूं, अगर आप सही एब्रिवेशन से यूज कर सकते हैं वर्ड्स की तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते, आपको डाउट है या आपका पढ़ना या आपका बोलना ठीक नहीं है, शब्दों का हेर फेर हो सकता है, देन डोंट गो डू इट, मत कीजिए, फंसेंगे। ठीक है, जुपिटर की रेमेडी क्या है? गुरु बनाइए, ट्रस्ट रखिए। जुपिटर क्या कहता है कि टफ है, गुरु बनाना आसान नहीं है आज की डेट में। आज की डेट में पता नहीं अगला चोले के अंदर क्या कौन बैठा हुआ है, वो सिर्फ उसका चोला है डाला हुआ है या उसके अंदर कोई और इंसान छुपा हुआ है। हालात आपने देखे हैं हमारे, कितने सो कॉल्ड गुरु अंदर है, तो गुरु का अंदर क्या काम है? गुरु का अंदर काम नहीं है, वो इसलिए अंदर है बिकॉज वो सिर्फ उनका कपड़े हैं, वो वाले अंदर कोई और है। प्रणाम किसको है? प्रणाम उन वस्त्रों को है, भगवा चोला है उसको प्रणाम है। जब हम किसी भगवे चोले में किसी को देखते हैं तो हमारे अंदर से फीलिंग आता है कि ये एक साधु है, तो साधु को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम हम किसको कर रहे हैं? चोले को कर रहे हैं, उसकी कपड़ों को कर रहे हैं। अंदर कौन है हमें पता नहीं है, दैट्स वाई लोग अंदर वो बोले, क्योंकि वो चोले के अंदर कुछ और था। सो अपने बेटरमेंट के लिए, अपने सुकून के लिए गुरु बनाइए, नेवर लीव हिम, कभी मत उसके साथ दगा कीजिए, कभी उसको छोड़िए मत। मल्टी गुरु चेंज करेंगे तो बर्बादी तय है। गुरु चेंज करना, हर महीने गुरु चेंज करना, अच्छा आजकल ये गुरु ट्रेंड में है अब हम इनको मानते हैं। दिल्ली वाले गुरु जी को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, जब वो बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत वायरल हो गए हैं, जिनका नाम ही गुरु जी है, आज लोग कहते हैं हम उनके फॉलोअर हैं। जो पुराने हैं वो तो बैठे हुए हैं, नए और भी बन गए गई, तो हम तो इनको मानते हैं। अच्छा फिर उसके बाद प्रेमानंद जी फेमस हुए, अब वो गुरु हैं, उनको छोड़ा वो गुरु बने। उसके बाद ये हमारे बागेश्वर धाम वाले, ये फेमस हुए, अब घर घर में उनकी फोटो लगी हुई है, वो हट गए। एक गुरु जिंदगी में, एक गुरु, सिर्फ एक गुरु और नहीं। रास्ता बड़ा टफ है, रिजल्ट्स नहीं आते, बंदा कहता गुरु चेंज कर लो, आपका गुरु खराब है अगर ये हो रहा है। बिलीफ सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जुपिटर जो है 9 नंबर साइन इज योर बिलीफ सिस्टम काम करता है इसके पीछे। और जब ये साइन अफ्लिक्शन में आ जाए, 9 नंबर में राहु आ जाए, तो आपका 9 नंबर साइन अफ्लिक्टेड है। तो यहाँ पे आप काम क्या कर रहा है, फटाफट 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 गुरु चेंज करो, ये नहीं ये, अच्छा आजकल मार्केट में ये है ट्रेंडिंग, ये वो 6 महीने बाद जेल में होता है, फिर अगला कोई और गुरु, इट इज लाइक दैट। बिलीफ सिस्टम काम नहीं कर रहा, वहां बिलीफ सिस्टम वीक है। तो जब आप एक गुरु रखते हो लाइफ में चेंजेस आते हैं।
एक गुरु रखते हो लाइफ के अंदर, आपके अच्छी चीजें होती हैं। गुरु आपको मिडास टच देगा, गुरु आपको आगे लेके जाएगा। गुरु बशर्ते ये ढंग का होना चाहिए, वो वाला नहीं जो आजकल अंदर है। सो पॉसिबिलिटी हो तो आप ज्ञान लीजिए, हर जगह से ज्ञान लीजिए। ज्ञान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी गुरु का ले लीजिए, गुरु अच्छी चीजें सिखाएंगे। ये भी लोग जो है अंदर है, ये भी अच्छी चीज ही बोलते हैं, बोलना तो पब्लिक के लिए अच्छा ही पड़ता है ना। ज्ञान जहां से मर्जी लो, लेकिन गुरु एक रहे, गुरु नहीं चेंज करना। वक्री गुरु समथिंग इज वेरी डिफरेंट। वक्री गुरु जिस कुंडली के अंदर हो जाए, उसको तो पहले गुरु पर ट्रस्ट ही नहीं होगा, उसको लगेगा ये ना पैसे वहां बटोर रहा है, ये एक वो बंदा है अपना धर्म के नाम पे ना पैसा इकट्ठा कर रहा है। जो वक्री गुरु, किसी कुंडली में वक्री गुरु मिले ना, उसका ट्रस्ट ना बड़ा प्रैक्टिकल है। गुरु वक्री हो गए, बड़ा टफ हो गया अब ये चीज को बिलीव करना, इस चीज को ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है कि ये सामने वाला बंदा गुरु है कि कोई फ्रॉड है। वो उसके अंदर 10 नुक निकालेगा, नहीं यार ये ना फ्रॉड हो सकता है, मैं इसको पैसे चलाऊंगा, ये पैसे ना खा जाएगा, ये पैसे का सही यूज नहीं होगा। अगर तेरे को क्या लेना यार पैसे का यूज नहीं हो रहा, तो तू तो दे दिया ना, तेरा भाव तो गुरु को देने का था ना, तूने दे दिया। अब वो उसको रखे, उसकी शराब पिए, उसको उड़ाए, वो इट्स इट 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 मीन्स यू आर नॉट विद द राइट बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम इज वीक। वो वक्री गुरु जिनकी कुंडली में होते हैं, वो लोग जल्दी गुरु बना नहीं सकते, उनको गुरु मिलते ही नहीं ढंग का, ना ये बना पाते हैं जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत है, टफ ही बहुत है, मुश्किल है बहुत ज्यादा। जुपिटर वक्री हो जाए सेकंड हाउस के अंदर, डाउट है पैसे को लेकर, डाउट है। वक्री मतलब हो गया कि अब ये डबल टफ हो गया, अब ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। वक्री गुरु वाले लोग, इनका गुरु वक्री हो।